यूक्रेन की फौज है, मिलिट्री है, उसकी तरफ से जो अपना इंडियन स्टूडेंट्स है उनको फौज में ढाल की तरह यूज किया जा रहा है, क्या ये सच है? सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हमारे आने से पहले तक मतलब हमें लग रहा था कि चलो हम सही समय पर निकल गए, लेकिन अगर नहीं निकल पाते तो पता नहीं हमारा कंडीशन क्या होता। सुबह शाम स्ट्राइक हो रहा था, हर चीज हो रहा था, बम गिर रहा था, और मेरे अपार्टमेंट से के बगल में ही मतलब कुछ टैंक फूट गया था, वो रशिया और यूक्रेन के आर्मी में, और मेरी उसके वजह से मेरे अपार्टमेंट की खिड़की, इवन बगल वाले अपार्टमेंट की सारी खिड़कियां सब कुछ टूट गई है, और हमने अपनी आंखों से बम फूटते हुए देखा। पूरा जो स्काई है ना वो पूरा रेड हो चुका था, और मेरा 3 को बर्थडे था, तो इवन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा वो लोग बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, इंडिया का और यूक्रेन में बहुत डिफरेंसेस है, सबसे बड़ा है पैसा, लेकिन सुमी और खारकीव में अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं और करंट सिचुएशन बहुत खराब है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? मेरा नाम नगमा परवीन है और मैं बिहार जमुई से रहने वाली हूँ, और आज मैं आई हूँ, एक्चुअली मेरा एयर इंडिया से 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट, मैं यहाँ आई हूँ और अभी मेरा 5 बजे मेरी फ़्लाइट है पटना के लिए। जी, तो मैडम हम जानना चाहते हैं कि इस समय यूक्रेन में कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है इस समय? सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारे आने से पहले तक एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन लाइट और पानी नहीं गई थी जी। लेकिन कल हमने सुना कि हम मिकोलाइव में रहते थे, मिकोलाइव की बिजली जी। और पानी सब चली गई है, तो मतलब हमें लग रहा था कि चलो हम सही समय पर निकल गए जी। लेकिन अगर नहीं निकल पाते तो पता नहीं हमारा कंडीशन क्या होता। और एटलीस्ट हम 3 दिन से वहाँ पर जब थे, 24 तारीख से तो हम शेल्टर में थे जी। और खाने का हर चीज़ का बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब सुबह शाम स्ट्राइक हो रहा था, हर चीज़ हो रहा था, बम गिर रहा था, और मेरे अपार्टमेंट से के बगल में ही मतलब कुछ टैंक फूट गया था, वो रशिया और यूक्रेन के आर्मी में झगड़ा हुआ था, तो और मेरी उसके वजह से मेरे अपार्टमेंट की खिड़की, इवन बगल वाले अपार्टमेंट की सारी खिड़कियां सब कुछ टूट गई। हाँ, मेरी खुद की, आपने अपनी आंखों से देखा ये जो मंजर है, क्योंकि आपके साथ हुआ वहाँ? मैं बताती हूँ, मैं 24 तारीख के दिन मैं शेल्टर में नहीं पहुँच पाई थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम दो रूम के बीच में पैसेज में हम बैठ गए थे, और हमने अपनी आंखों से बम फूटते हुए देखा। पूरा जो स्काई है ना वो पूरा रेड हो चुका था जी। मतलब हर टाइम ये सताती थी हमें कि क्या पता यार कौन सी बिल्डिंग, कभी क्या पता कल मेरी ही बिल्डिंग हो जाए, क्या पता मैं हम लोग मतलब अगर इंडिया नहीं जा पाते तो हम लोग पता नहीं हमारा क्या होता। लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट एम्बेसी वाला, मेरे कॉलेज वाले सब ने बहुत हेल्प किया, और जैसे सिचुएशन थोड़ा सा सही हुआ हमें बस वहाँ से अरेंज किए, और मैं वहाँ से मिकोलाइव से हम मोल्दोवा बॉर्डर क्रॉस करके, मोल्दोवा से फिर हम रोमानिया पहुँचे, और रोमानिया में हम एक शेल्टर बुफ्तिया सिटी में हम रहे थे, और वहाँ पर इतने अच्छे लोग मिल गए थे हमें कि मतलब इनफैक्ट मतलब एहसास नहीं दिला रहे थे वो लोग कि हम कहीं और से आए हैं, हम वॉर से लड़के आए हैं। हर चीज़ में, खाना से लेकर के हर चीज़, बैठ बैठ के हमसे पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। और मेरा 3 को बर्थडे था,
तो इवन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा वो लोग बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करेंगे जी। और मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गई थी कि यही 3 मार्च को आज, मतलब आज से 2 दिन पहले आपका बर्थडे था। तो कहाँ, कैसा रहा बर्थडे? मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। इवन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इतना अच्छा वो लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छा। मैं क्लिप आपको दूंगी और प्लीज़ आप दिखाइएगा, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि यार वो लोग भी बहुत, हाँ, दूसरी कंट्री में भी इवन इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंडियन को, और मतलब एकदम फैमिली तरफ के जैसा फील करवा रहे हैं हमें कि कुछ एहसास नहीं है। मेरे लाइफ का मैं बता रही हूँ, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन था, मैंने यहाँ बर्थडे था कभी इतना अच्छा। डर के माहौल में से आप निकले और नई कंट्री गए इंडिया आने के लिए। आप कौन सी कंट्री गए थे? मैं मोल्दोवा गई और रोमानिया। मोल्दोवा, हाँ, रोमानिया में मैं रुकी और रोमानिया से फिर मेरी फ्लाइट एयर इंडिया से फिर मैं अभी इंडिया आई जी। तो मैम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले हम कि आप यूक्रेन कब गए थे इंडिया से और वहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? मैं यूक्रेन गई थी 2018 में। मैं अभी 5th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। इवन अभी पता नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर मैं आ रही थी तो ऐसा था कि चलो मैं फिर से वापस जाऊंगी यूक्रेन, लेकिन रास्ते में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। मेरी, हमारे जो हम इतने स्टूडेंट, हमारा लाइफ क्या होगा, हमारा करियर कैसा जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 5 साल अपना यूक्रेन में दिया। देन हम उससे पहले भी नीट की कोचिंग, लगभग 7-8 साल हमने पूरे अपने लाइफ पूरा इस करियर बनाने में लगा दिया, और अब लग रहा है कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा आगे। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि इंडिया की MBBS और यूक्रेन की MBBS में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इस समय चर्चा का विषय, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा होता है और क्या, मतलब डिफरेंस क्या है। मुझे देखिए, इंडिया का और यूक्रेन में बहुत डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा है पैसा। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इतना इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर गवर्नमेंट सीट मिली, हम क्वालिफाई नीट करने के बावजूद भी हम सीट नहीं मिल पाता है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया में 1-1 करोड़ के पैकेजेस है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन वहाँ पर हमारे 30-40 लाख में पूरी MBBS, हाँ, पूरी डिग्री हो जाती है। तो इवन खाना पीना सब कुछ, हाँ, सब कुछ मिला करके हो जाता है। तो हम मिडिल क्लास के लोग तो यही सोचेंगे ना कि अपना सपना पूरा करने के लिए चाहे हमें जो कंट्री जाना पड़े हम जाएंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सपना तो पूरा करना है। करंट सिचुएशन क्या है यूक्रेन में, क्योंकि बीते 24 घंटे में सीज फायर भी शुरू हुआ है रशिया की तरफ से, तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, कितने बच्चे अभी और फंसे हुए हैं वहाँ पर? देखिए, हमारे जो मिकोलाइव से हैं वहाँ पर बच्चे निकल गए हैं, लेकिन सुमी और खारकीव में अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, और करंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैं इवन मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं एक पल पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत आंसू से गिरते हैं मेरे टीचर के लिए, वहाँ पर जो बच्चे हैं, मतलब सब कुछ है, मेरे पड़ोसी सब की, लगता है कि यार हमारा तो एक देश था कि हम भाग करके आ गए, लेकिन वो लोगों का क्या होगा, हाँ, जो रहते हैं वहाँ पर वो लोग कैसे बिताएंगे, जिसके साथ हमारे 4 साल से इमोशन जुड़ गए थे, हर चीज़ पता नहीं। मैं, हम लोग इवन हर स्टूडेंट एक बार यही प्रे करते कि अल्लाह सबको बचा करके रखे, इवन कोई वहाँ पर कोई सिविलियन को कोई हार्म ना हो, क्योंकि हम तो इंडिया के हैं, हमारे गवर्नमेंट ने इतना हेल्प किया, हम भाग गए, हम आगे। गवर्नमेंट की बात की तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपकी क्या हेल्प की जा रही है? इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 4 जो मंत्री भी है बीजेपी गवर्नमेंट ने भेजे हैं, उनका क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के साइड से हमें बहुत हेल्प मिला, क्योंकि जैसा पर्सनली मैंने देखा कि हमें कोई बॉर्डर पर, मुझे खास के मेरे टीम जो हम लोग 229 बच्चे, 4 बस हुए थे हमारे और 229 बच्चे हम आए थे इंडिया, तो कोई बॉर्डर पर हमें रुकना नहीं पड़ा और कहीं पर भी हमें लाइन लगानी नहीं पड़ी थी। और यहाँ जब हम मीको लाइव से हम मोल्दोवा के लिए, हमारे कॉलेज वाले ने अरेंज किया था बस, और फिर मोल्दोवा से और रोमानिया तक हमारा एम्बेसी ने बस अरेंज करवाया था, इंडियन एम्बेसी, हाँ, इंडियन एम्बेसी ने, तो वहाँ पर एक तो कोई मनी नहीं लग रहा था,
और बहुत हेल्प मिली, इजली हम बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे थे, कोई लाइन नहीं, खाना भी अच्छा मिल रहा था, हाँ इंतजाम था सब कुछ। तो एक अच्छा और चीज़ यहाँ पे चर्चा में सुनने को मिल रही है कि जो यूक्रेन की फौज है, मिलिट्री है, उसकी तरफ से जो अपना इंडियन स्टूडेंट्स है उनको फौज में ढाल की तरह यूज किया जा रहा है, क्या ये सच है? शायद मैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा तो नहीं है क्योंकि मैं आ गई थी, लेकिन मैं भी न्यूज़ में ही ऐसे देख रही हूँ, मैं क्लिप देख रही हूँ कि कोई कोई इंडियन बच्चे को ऐसे मतलब आने को नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर नहीं पार किया जा रहा है, तो शायद हो सकता है ये सच हो जी। ऐसा तो अगर बात करें, अब आप इंडिया आए हो, 4-5 साल आप कह रहे हो MBBS करके आए हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अगर यूक्रेन जाने का मौका नहीं मिलता दोबारा तो आप इंडिया में क्या करोगे? मैं इंडिया में क्या करूँगी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जो मेरा सपना था, हर बच्चे एक बचपन से सपना देखते आते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरी फैमिली में आज तक कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, मैं पहली हूँ। मेरे माँ बाप का सपना है, मेरा सपना है कि मैं अपना MBBS में कम्प्लीट करूँ, तो यही है कि काश कुछ हो जाए, होप ऊपर वाला कुछ सही कर दे कि हम अपना MBBS कंप्लीट कर सके, और फिर वही मैं 5th ईयर में हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया के गवर्नमेंट कुछ कर दे कि मैं 5th ईयर से फिर कंटिन्यू कर सकूँ। जी, अगर इंडियन गवर्नमेंट में कुछ होता है तो चलो अलग बात है। अगर मेरा लास्ट सवाल है कि अगर यूक्रेन में हालात नॉर्मल हो जाते हैं, हम भी विश करते हैं कि हालात नॉर्मल हो जल्दी, और आपको दोबारा यूक्रेन जाने का मौका मिलता है, तो क्या आप जाओगे? हाँ मैं जाऊँगी। जाओगे, मतलब मन में जो डर है वो निकल चुका है? हाँ, क्योंकि वो रशिया और उनके मतलब गवर्नमेंट के बीच का है, लेकिन वहाँ के जो सिविलियन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। इवन 4 साल हो गए, कोई तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर मेरा कॉलेज बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुनिया ये साढ़े नाल यूक्रेन तो भारत की धरती से इन्होंने अज ही पैर धरया, पैर धरिया था। सब तो पहला स्काई न्यूज़ पंजाब नाल गलबात की, जिस इन्होंने दसिया कि 4 साल तो MBBS कर रहे हैं यूक्रेन के, इन्हों कोई तंग परेशानी का सामना नहीं करना पाया, तो यह भी दावा किया कि जेकर इन्हों दोबारा यूक्रेन जाके अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलता है तो यह जरूर जाऊँगे, नहीं तो यह भारत सरकार तो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार वालों इन्हों जो है इन्होंने कोई फ्यूचर प्लैन जो है स्टडीज़ लिए जरूर बनाया जाए। कैमरा परसन कमल के नाल कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ पंजाब, दिल्ली एयरपोर्ट।